राजस्थानी रोटी जैसी है ये, बड़ी बड़ी रोटियां हैं। आप राजस्थान के रहने वाले हो? हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप लोग कैसे हो गए हो? आप लोग सब ठीक ही हो गए? दोस्तों अभी सुबह के 7:30 बजे हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे रावण और रामलीला का तैयारी शुरू हो रही है। यहाँ पे रावण जैसा बनाए जा रहे हैं, ये लोग आगरा से आए हुए हैं। तो दोस्तों चलो मिलते हैं इनसे और बात करते हैं वहाँ के बारे में कि ये रावण को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों अब रामलीला आ रही है, तो ये देखिए यहाँ पे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के शरीर बनाया जा रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े पुतले बनाए जा रहे हैं, आपको मैं सामने से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों आप ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े सांचे बना रखे हैं। इसमें कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है, आप देख सकते हैं इसमें जो है पुरानी जो साड़ियाँ होती हैं इनका इस्तेमाल कर रखा है। पुरानी साड़ियों से ये जो बांस है, बांस के ऊपर पुरानी साड़ियाँ और कुछ कुछ कागज़ों से चिपका के इसके सांचे बनाए जा रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर बहुत सारे रख रखे हैं इन्होंने बना बना के, और ये इनको यहाँ से बेचेंगे। अभी इसका मुंह दूसरी जगह बनाया जा रहा है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये देखिए कैसे बांसों से बनाया जा रहा है। अरे भाई, बेचने के लिए बना रहे हो क्या ये, या बिके हुए हैं, या बेचोगे इसको? कुछ बिकेंगे यहाँ पे? अच्छा अच्छा मतलब पर पीस के हिसाब से देते हो आप, कोई लेना चाहे तो? अच्छा, बिक गए आधे, चार रह गए। अच्छा, तो ये आज तैयार कर दोगे? कब तक तैयार कर दोगे? टाइम लगेगा इसमें? अच्छा अच्छा इसका भी पूरा बनेगा ना? अच्छा अच्छा तो आपने मुंह तो अभी एक का भी नहीं बनाया ना? अच्छा 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 कहाँ से आते हैं आप लोग? आगरा। आगरा से आते हो? हर साल आते हो? अच्छा, कमेटी वो तो इसमें फटाके ये सब तो यही लोग लगाएंगे। कौन, ऋषि राजाना ले रहा है क्या? कौन ले रहा है? ऋषि राजाना लगा रहा है। अच्छा अच्छा यहाँ तो तीन ही लगते हैं ना यहाँ पे? और कहाँ के? तीन तुम्हारे सेक्टर 31 के। अच्छा, वहाँ के भी है। वैसे कितने का पड़ जाता है पीस ये? जैसे पुतले को बोलते हैं अंकल, पुतले के हाइट के ऊपर होता है। क्या, 50 से ऊपर पुतला निकल जाता है? 50 फुट से ऊपर तो उसके 70, 80, 90। अच्छा अच्छा आप लोग आगरा से कब तक आ जाते हैं यहाँ पे? आगरा से हम एक महीने पहले करीब आते। एक महीने पहले? मैं एक महीने पहले तो नहीं थे, आप लोग आ गए थे यहाँ? यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, एक महीने पहले आके काम छेड़ दिया था अपने, ये बांस वांस आगे पड़े थे। अच्छा 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 ये बांस वांस लाल हो के यहीं रहते हैं आप? नहीं रहते, मतलब ऐसा है ना कि जी बांस जो आती है उसमें क्या कहते हैं, फाड़ने करने में दिक्कत टाइम लगती है। अच्छा अच्छा, पूरी गाड़ी भर के आती है ना? हाँ हाँ, गाड़ी भर के यहीं पर ला के फिर यहीं पर करते हो, है ना? चलो बढ़िया यार, आपके काम को बढ़ाएंगे हम। मैं आता तो इसी पार्क में, इसी मंदिर में आता हूँ, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा आपको, क्योंकि ये ऋषि राज राणा के वहाँ पे बनाए जाते थे पुतले, वो उधर पे है ना एक पार्क है ना, उधर पे बनाते थे ये पुतले, पहले इस मंदिर के पीछे बनते थे। अच्छा अच्छा पीछे बनते थे, अभी तो मैंने यहाँ देखा, इस बार मैंने यहाँ देखा। अब वो मंदिर बन गया तो वहाँ जगह नहीं रही, तो इस वजह से फिर इधर आ गए। अच्छा 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 सही है, चलो भाई कोशिश रहेगी। जब इसमें कलर वाला कब तक कलर हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा? इसमें कलर दशहरे से 10 दिन पहले कंप्लीट होएंगे सारे पुतले। अच्छा अच्छा, दशहरा कब का है ये? 24 तारीख। 24 का, उससे 10 दिन पहले आप यहाँ कंप्लीट कर दोगे पूरा, है ना? उसके बाद चलो आऊँगा भाई, देखूँगा यहाँ पे तुम्हारा ना, जहाँ जाके हैं उसके चले जाएंगे, फिर माया के जी ग्राउंड में पहुँच जाएंगे, वहाँ इनकी बंदिश होंगी, फिर सोई जी खड़े हुए। बाद में आपका ना इसमें नंबर डाल दूंगा, जिससे कि आपके पास अपने आप ही कॉल आ जाए ना,
ठीक है, आप हर साल फिर यहीं पे आके बनाओ, जगह बता दूंगा तो आपके पास अपने आप ही कॉल आएगा जिससे कि आप यहाँ पे बना सको। अभी तो इसमें कलर वालर होगा तब बढ़िया लगेगा, अभी तो सादा है, क्योंकि सादा है तो ये पूरा बांस से बनाते हो? अरे पूरा बांस की, इसके ऊपर ये साड़ी वाड़ी ये सब पुराने कपड़े ये सब लगाते हो? नहीं नहीं। अच्छा, साड़ी पहले साड़ी की मढ़ाई होती है इसकी, साड़ी के बाद में कागज चलता। अच्छा, ये साड़ी के ऊपर फिर अभी ये लगाओगे कागज? कागज, अच्छा अच्छा, बाकायदा बिल्कुल सेम वैसे ऐसी हो गया भाई, जैसे अपन तुकन कपड़े पहनते बिल्कुल सेम ऐसा लगा जैसे हकीकत का खुद लग रहा आदमी का। चलो भाई बढ़िया है, तो कितने बजे से शुरू कर देते काम करना ही? तो सात मतलब जब वो तो अपना ही काम है, धीरे धीरे करते रहो। तो आप दो ही कर रहे हो काम यहाँ? नहीं, 10-12 बंदे। तो कब आते हैं ये? वो यहाँ के हैं, क्या कहते हैं ये, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, आगरा के। वो भी आगरा के ही हैं? सब आगरा से। अच्छा, चल भाई बढ़िया, सही है। रहते यहीं पे ऐसे? अच्छा, हाँ जी, क्योंकि मौसम, हाँ मौसम, चलो मौसम तो ठीक हो ही गया, लेकिन मच्छर वच्छर तो होंगे यहाँ, है ना? मच्छर भी होंगे ना यहाँ पे, पानी वानी का है ना काफी। अच्छा, ये दुकान वाला अगर दुकान दे देता कुछ इस टाइम के लिए ऐसी है, फिर तो हमने इसी में सामान सेट कर दिया था। अच्छा, अब यहाँ का जो चौकी जा रही है हाँ, वो हम यहाँ से 3-4 दिन के लिए वहाँ चले गए 31 में। अच्छा, सेक्टर 31, तो वो ये समझे कि जी चले गए यहाँ पे। अच्छा, हमारा तारा काम इस दुकान में था। अच्छा, हमने अपना तारा डाल दिया था इसमें। हाँ, अब वो हम तारा डाल के चले गए, वो अपना तारा लगा के चौकीदार। अब वो कहाँ चले गया? वो अपने गाँव चला गया। अच्छा, फिर हमने जिनकी ये दुकान है उनके पास फोन करा हमारे ठेकेदार ने, तो भाई ऐसे ऐसे बात है, हमारा सामान तुम्हारी दुकान में रखा हुआ, हमारी परेशान हो गई काम के लिए। एक दिन ने अपने अपने यहाँ से एक बंदा पहुँचाया, ताला खोला, जब फिर उसने सामान निकाला। तो आप अब नहीं रहते दुकान में? मैं अब खाली पड़ी हूँ। खाली पड़ी हुई है, वो तो है ही। ये देखिए दोस्तों, रावण का पुतला बनाया जा रहा है यहाँ पे। इसका अभी नीचे का भाग बनाया हुआ है, ये नीचे वाला भाग बनाया हुआ है, इसके बाद वहाँ पे दूसरी जगह में मुंह बनाया जा रहा है। दोस्तों ये लोग आगरा से आए हुए हैं और यहीं पे रह के अपना काम करते हैं। अब धीरे धीरे इनका कहना है कि 10-12 दिन में पूरी तरह तैयार हो जाएगा अभी बन के। ये पूरा बाँस से सांचा बनाया हुआ है और ये लोग यहीं रहते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे में, यहीं पे इन्होंने झोपड़पट्टी बना बुन के रह रहे हैं। और ये यहाँ पे करीबन 10-12 लोग हैं जो यहाँ पे बैठ के काम करते हैं। दोस्तों मैं आपको हर दिन बस दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या क्या काम किया है, कैसे साँचे बनाए हैं और कैसे रावण के पुतले बनाए हैं। दोस्तों यहाँ के कई रावण के पुतले तो इनके बिक चुके हैं और कुछ बिकना बाकी हैं, तो जैसे जैसे ये तैयार होता रहेगा मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। चलो चलते हैं दोस्तों आगे। जी बना रखी है? अच्छा अच्छा है? अच्छा अच्छा, रोटी तो बड़ी बड़ी बना रहे हो आप, ये राजस्थानी रोटी जैसी है, बड़ी बड़ी रोटियां हैं। आप राजस्थान के रहने वाले हो? अच्छा, तभी बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी रोटियां बना रहे हो राजस्थान वाली, एकदम सही है, गोल गोल रोटियां बना रहे, बढ़िया। हाँ वो तो है, ये तो एक ही जाना का इनका तो वही आटा, 10-10 रोटी खाते हैं, चलो बढ़िया है। तो 3 टाइम बनाते खाना यहाँ? नहीं, 2 टाइम बनाते। अच्छा, सुबह बना दिया उसके बाद रात को बनाओगे? चाय बना दें कि चाय पिला दें? अच्छा अच्छा अच्छा, राजस्थान की बेटी हिंदोन बयान आती। अच्छा, राजस्थान में रहते हैं आप? मेरा पी हरे मायका। अच्छा अच्छा, ये लोग तो आगरा से आए, आपको वहाँ से बुलाते हैं? मुझे आगरा के ही हूँ। अच्छा, आगरा के ही हो? हाँ, मैं ठेकेदार के बगल में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, ठेकेदार के बगल में रहते हैं, चलो बढ़िया। तो हर साल आ जाते हैं आप यहाँ? हर साल। अच्छा,
सही है। अब यहाँ 8-10 दिन रहोगे आप? दशहरा तक। तो ये लगा के भी आप ही लोग जाओगे ना ये ऊपर? जलवा के। अच्छा, जलवाने के बाद जाते हैं यहाँ से। अच्छा दोस्तों, ये लोग राजस्थान से आए हुए हैं और ये देखिए आप गरम गरम रोटी बनाया जा रहे हैं और अभी ये सुबह का खाना नाश्ता बना रहे हैं। उसके बाद जाके यहाँ पे सारे के सारे मजदूर खाना वीना खाएंगे और ये लोग हर साल ही आते हैं यहाँ पे। ये देखिए ऐसे ऐसे सांचे बना रखे इन्होंने बांस के, ये बना रखे हैं आप देख सकते हैं, ये भी बांस के सांचे बनाए हुए हैं। ये सब लगेंगे इसमें, इसी में दोस्तों ये सांचों के अंदर ही बम पटाखे लगाए जाते हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए सब पाँव है, रावण का पाँव है ये। हाँ जी, बन गया खाना वाना? बन गया। चलो बढ़िया है। पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? वहाँ मिल जाता पीने का पानी? पीने का हो चाहे कैसा भी हो। अच्छा, मिल जा रहा है ना? चलो ठीक है। तो आप भी आगरा में ही रहते हो? हाँ। अच्छा, हाँ मैं काम करता हूँ ना, जॉब करता हूँ, मेरा यहाँ पे ही मकान है 3 मंजिला है ना, तो मैं तो यहाँ पे सुबह घूमने आता हूँ। तो वही है कि इस पार्क में आता रहता हूँ, तो मैंने चलो बढ़िया है। ये वैसा गोंद बना रखा है चिपकाने का, आटे वाला है? आटे का है ना ये? अच्छा अच्छा, मैदा की ले ये? अच्छा, इसी से चिपकाते होंगे ना। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों आप लोग इसी तरह मैं ब्लॉग देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको इसी तरह अच्छे से अच्छा ब्लॉग दिखाऊंगा। अब रामलीला शुरू होने वाली है तो मैं आपको ये रावण बनता हुआ पूरा दिखाऊँगा। आप लोग जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग से।